राजस्थान के दो युवक अवैध हथियार के साथ सेंधवा पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 4 पिस्टल और 19 कारतूस जब्त की गई है, जिसकी कीमत 49,500 रुपए बताई जा रही है। अवैध हथियार तस्करी के मामले लगातार क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र में बन रहे हथियारों का बोलबाला है। एसडीओपी एमएस बारिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वरला रोड ब्रिज पर दो युवकों की तलाशी ली गई। इस दौरान उनके पास से दो दो पिस्टल व कारतूस बरामद की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हथियार कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे, इसकी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी पंजाब से आए युवकों को पुलिस ने धर दबोचा था। ये कल थाना सेंधवा शहर में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति वरला रोड ब्रिज तरफ खड़े हैं, जिसके आधार पर भी पुलिस यहां से मौके से पहुंची तो उनकी तलाशी ली गई, जिसके आधार पर उन्होंने अपना नाम दिनेश सिंह और एक रवि बताया, जो कि पाली राजस्थान जिले के निवासी हैं। उनसे फिर दो पिस्टल और 10 राउंड और 1 से 2 पिस्टल और 9 राउंड जब्त किए गए, जिसके आधार पर थाना सेंधवा शहर में 34/21/25/27 आरबीसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। कुल कितने हथियार जब्त किए? इसमें एक व्यक्ति से 2 पिस्टल और 10 कारतूस और 1 से 2 पिस्टल और 9 कारतूस, टोटल 4 पिस्टल और 19 कारतूस, जिसकी कुल कीमत 49,500 है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना सेंधवा शहर की टीम, जिसमें टीआई और सब इंस्पेक्टर आर के वाजपेयी, संजय पांडे, संजय पाटीदार और सभी यहां का बल की महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर, कहां से ला रहे थे हथियार, कहां ले जा रहे थे, ये अभी विवेचना का है। इसमें इनसे मेमोरेंडम के आधार पर आगे पूछताछ करके आगे आरोपियों तक क्या अद्यतन अपराधी कुछ जानकारी मिली, अभी इनका वहां से रिकॉर्ड बुलवाएंगे राजस्थान से।